गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बहुत दिनों के बाद वापस से आपके लिए लेके आया हूँ स्टैंडर्ड 10 और उसके अंदर है चैप्टर नंबर 4। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। क्यों है इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक? क्योंकि हमारा जो पूरा का पूरा स्टैंडर्ड 10 है, उस स्टैंडर्ड 10 के अंदर टोटल 4 ड्रामा यानी नाटक है और उसके अंदर से सबसे पहला अगर नाटक है तो दैट इज चैप्टर नंबर 4, जनार्दनस्य पश्चिम संदेश। और ये जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए क्योंकि फर्स्ट भी है एंड सबसे टफेस्ट भी है। तो हम इसकी स्टोरी समझेंगे, जानेंगे और सबसे इजीएस्ट ट्रांसलेशन हम गुजराती और इंग्लिश के साथ आपको प्रोवाइड करेंगे। आज हमारे साथ है मैत्रेय चौधरी एंड ये आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन में मदद करने वाला है। बस सबसे पहले देख लेते हैं हमारे ऑथर महोदय के बारे में जानकारी। हिंदी यानी संस्कृत साहित्य के अंदर महान कवि है जिसका नाम है भास जी। उन्होंने टोटल 13 ड्रामा यानी कि नाटक लिखे हैं और उसका नाम था भास नाटक चक्रम और उसमें से एक है उसका नाम है दूत घटोत्कच। घटोत्कच कौन है, क्या है और ये नाटक में किस तरह से कार्य हो रहा है वो आपको बताएंगे इसके अंदर क्या है। तो देखो दो राजा थे परंतु दो राजा कैसे हुए तो हम समझते हैं यहाँ पर पूरा का पूरा महाभारत। महाभारत के अंदर आपको पता था बड़ा भाई जिसका नाम था धृतराष्ट्र जो आंखों से अंधे थे और उसका छोटा भाई था जिसका नाम था पांडु। पांडु के 5 पुत्र हुए दैट इज पांडु पुत्र, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल एंड सहदेवा। परंतु ये राजा अंधा होने के कारण से ये जो है राजा यानी कि पांडु राजा राजा बन जाता है पर समय जाते ही पांडु राजा जो है उसकी मृत्यु हो जाती है तो वापस से धृतराष्ट्र राजा बन जाता है। अब पांडु के जो पुत्र थे जो कि ये 5 पुत्र थे उस 5 पुत्र की 2 माताएं थी, एक माता का नाम था कुंती माता और एक का नाम था माद्री माता। ठीक है, अब इन 5 पुत्रों ने एक बीबी से शादी की थी जिसका नाम था द्रौपदी। परंतु जो अर्जुन था उसकी और एक बीबी थी जिसका नाम था सुभद्रा एंड सुभद्रा जो है वो थे भगवान श्री कृष्ण की बहन और सुभद्रा के थ्रू अर्जुन को एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था अभिमन्यु। तो आज का जो हमारा महाभारत का टॉपिक चल रहा है वो है अभिमन्यु को ध्यान में रखकर। एंड दूसरा क्या टॉपिक है कि जो भीम था ये भीम है तो भीम का भी एक और शादी हुई थी जो कि एक राक्षस कन्या से हुई थी उसका नाम था हिडिंबा एंड हिडिंबा के थ्रू उसको और एक बेटा हुआ था जिसका नाम था घटोत्कच। तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है यानी पांडु के बाद पांडवाज और पांडवाज के बाद होते हैं अभिमन्यु एंड कौन आते हैं घटोत्कच। तो उसकी कहानी आज के हमारे इस चैप्टर में है जो कि एक एकांकी यानी नाटक के हिसाब से है। अब देखो ये है हमारे अभिमन्यु जी। क्या होता है कि महाभारत के युद्ध के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल अगर कोई था तो कौन था, अर्जुन था। ठीक है, और अर्जुन इसलिए पावरफुल था क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उसको गाइड कर रहे थे। परंतु युद्ध के दौरान अब जो है वो बने थे द्रोणाचार्य जी उन लोगों के यानी कि कौरवास की जो सेना थी सामने वाले पार्टी की उसके बन गए वो कौन, ताकि सेनापति बन गए। अब द्रोणाचार्य जो कि पांडव एंड कौरव के गुरु थे इसलिए अब उसको पता था कि किस तरह से हम इस युद्ध को जीत सकते हैं। तो द्रोणाचार्य जी ने क्या किया, एक चक्रव्यूह की रचना की और चक्रव्यूह तोड़ना किसको आता था, अर्जुन को आता था। पर अर्जुन को उसने लड़ाने के लिए बहुत दूर तक ले गए इधर। अब यहां पर बाकी सारे पांडवाज लड़ नहीं सकते थे तो पांडवास को पता चला कि हमारा जो अर्जुन है उसका एक पुत्र है जिसका नाम है अभिमन्यु, उसको ये चक्रव्यूह तोड़ना भेदना क्रॉस करना आता है। तो अभिमन्यु को भेजा जाता है लड़ने के लिए। अभिमन्यु जाता तो है और वीर योद्धा के सामने देखो उसका रथ टूट जाता है तो उसका पहिया लेके जब अटैक करते हैं ना तो बड़े से बड़ा महायोद्धा भी उसके सामने ढीला पड़ जाता है। तो उस समय अभिमन्यु बहुत भयंकर तरीके से लड़ता है परंतु अंत में वीर गति को प्राप्त हो जाता है। अब शाम होते ही जब वापस आता है अर्जुन तो पता चलता है कि इधर मेरा वीर पुत्र यानी अभिमन्यु का देहांत हो गया है। अब वो बहुत ही निराश उदास और दुख में डूब जाता है। अभी तक भगवान श्री कृष्ण को यकीन था कि मैं जो कह रहा हूं उसी हिसाब से अर्जुन कर रहा है परंतु अब कल वो गुस्से के कारण पता नहीं वो क्या सोचेगा एंड क्या करेगा। इसलिए अब भगवान श्री कृष्ण को लगता है ये मेरे बस में नहीं है और कल इतना भयंकर युद्ध हो सकता है कि सारा का सारा महाभारत अर्जुन के लिए खत्म कर देगा यानी कल शायद तक सही में महाभारत होगा। इसलिए भगवान कृष्ण को लगा कि और एक बार कौरवों को सचेत किया जाए, वॉर्न किया जाए। इसके कारण से जो भीम का पुत्र था जिसका नाम था घटोत्कच उसको एज अ मैसेंजर के तौर पर कौरवों के पास भेजा जाता है।
इससे पहले भी भगवान श्री कृष्ण ने कोशिश की थी कि कौरव ये जो है महाभारत उसको बंद करो, परंतु कौरव नहीं माने। अब दूसरी बार ट्राई करने कौन जा रहा है, दैट इज घटोजगर। घटोजगर बहुत ही बुद्धिशाली और सुलझा हुआ व्यक्ति है, और वो राक्षस का बेटा था परंतु मनुष्य का भी बेटा था, सुलझा हुआ व्यक्ति है। एंड देखो भगवान श्री कृष्ण ने किसको पसंद किया, घटोजगर को, क्योंकि जो मैसेंजर होता है वो राजा का मान सम्मान इज्जत भी रखता है और बैलेंस तरीके से अपना मैसेज दे के आता है। तो अब जा रहा है घटोजगर, पीस मैसेंजर यानी शांति दूत बन के जा रहा है कौरव के राजसभा के अंदर। वहां पर कौन है, धृतराष्ट्र राजा है, उसके बाजू में आंखों पे पट्टी बांध के गांधारी जी बैठे हुए हैं, और उसके बारे में यहाँ पर हमारे चैप्टर नंबर 4 में बताया गया है। तो यहाँ पर जो जो भी कैरेक्टर्स आएंगे मैं आपको यहाँ पर इमेजेस देता रहूंगा ताकि आप इजीली उसको समझ सको एंड उसको अच्छी तरह से आप लर्न भी कर सको, ठीक है। तो देखते हैं क्या यहाँ पर कहना चाहते हैं। सबसे पहले आता है घटोजगर, प्रविश्य यानी प्रवेश करके, अये अयम, अरे यहाँ पर तो कौन है और कोई नहीं परंतु धृतराष्ट्र है ना। ओ अये अयम अत्र भवान, अत्र का मतलब यहाँ पर, और भवान एक रिस्पेक्टेड वर्ड है, पूज्य श्रीमान इंग्लिश वर्ड मिस्टर मिसिस होता है ना ऐसे। ओहो यहाँ पर तो धृतराष्ट्र जी है। अनार्य, आर्य मतलब रिस्पेक्टेड वर्ड होता है, अनार्य मतलब खराब, आर्य खराब लोगों के, कितने खराब लोग थे तो के शत यानी 100 अनार्य पुत्र के जनक, जनक का मतलब होता है पिता है ना, या बोले क्या उत्पादिता यानी कि जो पैदा करने वाले फादर है, 100 खराब पुत्र को जन्म देने वाले फादर यानी कौन है, धृतराष्ट्र जी है। और वहां पर उपश्रुतः, अब उसके एकदम नजदीक जाके बोलता है, क्या कहते हैं, अब ये भी उसके पितामह ही है यानी कि दादाजी ही है ना। पहले ओरिजिनल दादा अगर कह सके घटोत्कच के तो कौन थे, पांडु राजा, पर अगर पांडु राजा का तो देहांत हो गया है तो अब दादा कौन बने, ये यानी कि धृतराष्ट्र जी। तो प्रणाम करके कहता है कि हे पितामह, हे दादाजी, अभिवादय घटोत्कच, ऐसे करके अधूरा छूट जाता है कि मैं घटोत्कच आपको प्रणाम अभिवादन करता हूं, परंतु भूल जाए, अरे गलत हो गया ये तो, क्या गलत हो गया, सबसे पहले तो मैं हमारे जो बुजुर्ग है, वडील है, राजा है, उसका मैं अभिवादन दे सकता हूँ, यही मैनर्स है, तो मुझे उसका प्रणाम करना चाहिए एंड देन मैं अपना प्रणाम बता सकता हूँ, इस तरह से उसको लगा। तो इसके कारण से तुरंत ही वहां पर अटक जाता है। यहाँ पर क्या लिखा है, इत्यधोक्ते है, देखो यहाँ से संधि डिजॉइन करेंगे तो आपको इजिली ये वर्ड समझ में आएगा। यहाँ पर क्या होगा, ये त है, वो त को ये य है ना, वो छोटी ई प्रोवाइड करेगा है ना, तो क्या बनेगा, इति प्लस य के साथ कुछ नहीं है तो अ आएगा, तो इति प्लस अर्धोक्ते, इस तरह से आधे में ही अटक जाता है ना। तो इसका क्या मतलब होता है, आधे में अटक जाना, ऐसे बेच बोल के अटक रहा है, न न न अयम अक्रमम, मैंने तो ये गलत बोल दिया है, ये खोटा मतलब गलत क्रम मैंने बोला हुआ है जो कि सही नहीं है। युधिष्ठिराच, सबसे पहले तो हमारे जो युधिष्ठिर महाराज है, एन गुरु, पहले गुरुजन और युधिष्ठिर महाराज को मुझे प्रणाम स्वीकार करवाना चाहिए एंड देन उसके बाद मुझे अपना प्रणाम देना चाहिए। तो भवंत, फिर म से डिज्वाइनिंग करेंगे तो क्या होगा, भवंत म, महलंत वाला प्लस इसमें से अ मिलेगा अलग होके, तो इधर की साइड में लगेगा, तो अभिवादयन्ति, सबसे पहले तो युधिष्ठिर जी एंड गुरु लोगों का मैं अभिवादन दूंगा एंड पश्चात देन मैं घटोत्कच, यहाँ पर देखो ये ड आया साइलेंट वाला, इसका क्या बनता है, अ बन जाता है, उसके आगे ज्यादातर ओ मिलेगा, ओ का डबल डॉट यानी विसर्ग बन जाएगा, तो आंसर क्या बनेगा, घटोत्कच ह प्लस अहम, फिर घटोत्कच अहम यानी कि मैं आपको अभिवादन करता हूं, ठीक है। और उसके बाद धृतराष्ट्र जी कहते हैं एही पुत्र, आओ आओ पुत्र, आ जाओ पुत्र, इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। नाउ ट्रांसलेशन आपकी बारी है, क्या बता रहा है ट्रांसलेशन, घटोत्कच एंट्रिंग, हियर इज दिस मैजेस्टी धृतराष्ट्र द फादर ऑफ द इग्नोबल हंड्रेड एडवांसिंग ग्रैंडफादर, हियर आई सैल्यूट यू, आई एम घटोत्कच, हैविंग अटर्ड हाफ ऑफ दैट वर्ड, नो नो दिस इज नॉट द प्रॉपर ऑर्डर, this is my elders Dhritarashtra, Yudhishthir and the rest that salutes you, and after them I Ghatotkach salute you,
धृतराष्ट्र कम कम माय सन. ओके, तो इस तरह से आप आओ, इस तरह से बोला गया. देखो इजी ट्रांसलेशन है, पर जैसे जैसे आप संधि को डिसजॉइन करते जाओगे, आप क्या करोगे, ये आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके नीचे ही हमेशा संधि डिसजॉइन करते जाओ. जैसे यहाँ पर ये डिसजॉइनिंग हुआ, यहाँ पर ये डिसजॉइनिंग हुआ, यहाँ पर ये, तो इससे क्या होता है आपको इजिली उस जो वर्ड है उसका मीनिंग समझ में आएगा. भले आप एक लाइन करो, एक पैराग्राफ करो, पर जैसे जैसे समझ में आता जाएगा, ऐसे लर्न करोगे तो बहुत ही इजिली आप कर सकते हो. ठीक है, नाउ यहाँ पर इन दोनों की कम्युनिकेशन खत्म हुई है. अब नेक्स्ट कम्युनिकेशन में भी वापस से यही दोनों हैं, एंड क्या कह रहे हैं देखते हैं यहाँ पर. तो इस तरह से उसका कम्युनिकेशन, सबसे पहले आता है घटोजगज, एंड घटोजगज क्या कहता है देखते हैं. घटोजगज, ओहो कल्याण खरुहु अत्र भवान, अत्र मतलब यहाँ पर, अरे रे आप तो सही में बहुत ही कल्याणकारी हो, बहुत ही शुभ हो, क्योंकि जब मैं यहाँ पर आ रहा था तो मुझे चक्र प्लस आयुध, आयुध का मतलब है अस्त्र शस्त्र, है ना, जैसे भीम के पास गदा थी, अर्जुन के पास गांडीव था, उस तरह भगवान श्री कृष्ण के पास क्या था, चक्र उसका हथियार था, चक्र से सबको मारते थे, है ना. तो चक्रायुध भगवान श्री कृष्ण का नाम है क्योंकि वो चक्र अपने औजार में रखते थे. उसका और एक नाम है, जैसे मुरली धारण करते तो मुरलीधर हो गया, गिरी पर्वत को उठाया तो गिरिधर हो गया, रण छोड़ के भाग गए थे तो रण छोड़ भी हुआ, इस तरह से चक्र उठाया तो चक्रधर. तो घटोत्कच कहता है कि मैं जब इधर आ रहा था तो मुझे चक्रायुध जी ने, यानी भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, भगवान श्री कृष्ण ने, कि वहां पर आपके कल्याणकारी दादा है, उसका दर्शन करना, उसका आशीर्वाद लेना खरे खर रियली बहुत ही अच्छा है. कल्याणना प्रसूति हे पितामह भगवान चक्रायुध, सही में आप कल्याणकारी हो, आपका दर्शन करना, आपका आशीर्वाद लेना मेरे लिए बहुत ही कल्याणकारी है. तो धृतराष्ट्र जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का नाम आता है वो भी तुरंत ही रिस्पेक्ट देते हैं. इतने बड़े राजा होने के बावजूद भी जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का नाम आता है वो अपने आसनात उत्थाय, आसन के ऊपर से खड़े हो जाते हैं, इतने बड़े महाराज, है ना. और फिर वो पूछते हैं किम, यहाँ पर म से डिज्वाइनिंग करेंगे, किम हलंत वाला प्लस आ इसमें से निकालेंगे, आज्ञा पयति भगवान चक्रायुध, क्या भगवान चक्रायुध मतलब भगवान श्री कृष्ण ने क्या ऑर्डर दिया है, क्या आज्ञा दी है बताओ मुझे घटोत्कच. तो घटोत्कच कहते नहीं 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 नहीं, आसन स्थान है ना, आपका जो आसन का स्थान है एव भवता श्रोतव्याम, आप वहां पर बैठ के श्रोतव्य मतलब उसके वहां पर बैठे बैठे सुनना है, जनार्दन जी का संदेश, भगवान श्री कृष्ण का संदेश आपको कहां से, वहां पर बैठे बैठे ही सुनना है. तो धृतराष्ट्र को लगा चलो ठीक है, ऐसा ऑर्डर है तो ऐसे ही करेंगे. तो धृतराष्ट्र यदा आज्ञा पयति, यदा आ से डिजॉइनिंग करेंगे, यदा प्लस आज्ञा, जैसी चक्रायुध जी की आज्ञा, ऐसे करके उपविशति वो बैठ जाता है. ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन देखते हैं क्या है. घटोत्कच, ओह हाउ नोबल योर मैजेस्टी इज, श्री लॉर्ड श्री कृष्णा बिल्डर ऑफ द डिस्कस हैज दिस मैसेज टू माय ग्रैंडफादर द सोर्स ऑफ ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स धृतराष्ट्र राइजिंग फ्रॉम हिज सीट. What are the commands of the divine builder of the discus? Ghatotkac, no, 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 your majesty should listen to the message I being seated on the seat, Dhritarashtra, as Lord Shri Krishna's commands. तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण के कमांड को मानते हुए जो धृतराष्ट्र जी है वो बैठ जाते हैं, एंड अब जो हमारे घटोत्कच जी है वो यानी किसका, जनार्दन यानी कौन हुआ, भगवान श्री कृष्ण, उसका संदेश यानी कि मैसेज देते हैं. अब क्या मैसेज देते हैं वो हमने आगे स्टोरी में बताया ही है कि ये जो है वो कौन है, ये है अभिमन्यु, और देखो ये चक्र उठाया है. अब अभिमन्यु के मृत्यु के बाद अर्जुन की हालत सही में बहुत ही खराब हो गई है, दयनीय हो गई है, रोने जैसा है, और इतनी भयंकर हालत है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को लगता है कि अगर एक पुत्र के मरने के बाद अर्जुन की ऐसी हालत हुई है तो सोचो धृतराष्ट्र महाराज के पास तो एक नहीं, दस नहीं, पचास नहीं, अस्सी नहीं, सौ सौ बच्चे हैं. जब 100 बच्चे मरेंगे महाभारत के अंदर तो उस राजा की हालत कैसी होगी, वो तो उसी दुख और दर्द के अंदर ही बेचारे राजा मर जाएंगे. सो हमारे भगवान श्री कृष्ण जनार्दन जी ने ऐसा कहा है कि आप ये मैसेज जाके धृतराष्ट्र जी को बताओ. क्या बताते हैं धृतराष्ट्र घटोत्कच कि हे पितामह यानी हे दादाजी श्रूयताम सुनो, हा वत्स अभिमन्यु हा वत्स कुरुकुल प्रदीप. देखो हमारे अभिमन्यु जी का तो हो गया है देहांत, तो उसको देख कर उसके पिताजी रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, आंसू सार रहे हैं, एंड कह रहे हैं कि हमारे खानदान के अंदर यानी कुरु
फैमिली के अंदर, पांडव फैमिली के अंदर, यानी भगवान श्री कृष्ण की फैमिली थी उसका नाम था पांडव, सॉरी यादव, तो यादव पांडव एंड कुरुकुल के अंदर जो सबसे पहला अगर कोई बच्चा बॉर्न हुआ था दैट इज अभिमन्यु था। आपने उस अभिमन्यु को यानी कि फर्स्ट चाइल्ड को, जो छोटा सा प्लांट जब अंकुरित होता है तो छोटा सा प्लांट बनता है, जो भी राइजी हो रहा था आपने उसको मार दिया। एक छोटा सा दिया जो जलना शुरू हुआ था आपने उसको भिजवा दिया। यादु कुल प्रवाल तव जननी, यानी ये अपनी माता को छोड़कर, मातुल यानी कौन सा मामा, कौन मामा, भगवान श्री कृष्ण, उसको छोड़कर अपने पितामह। अब देखो यहाँ पर दो पितामह यूज हुए हैं, एक ये पितामह है जो कि दूतराज जी को कह रहे हैं और ये पितामह यानी पांडु राजा को कह रहे हैं। युद्ध उसका देहांत हुआ था, आपको पता है कि पांडु राजा पांडव फैमिली के अंदर लास्ट मरने वाले व्यक्ति थे, यानी उसके बाद डायरेक्ट कौन मरा, उसका पौत्र यानी ग्रैंडसन, एंड ग्रैंडसन कौन थे, अभिमन्यु। तो यहाँ पर लिखा है कि आप अपने पितामह जो कि स्वर्ग में रहते हैं उसको मिलने के लिए चले गए, किसको छोड़कर, अपनी मम्मी यानी कि जननी को छोड़कर और मातुल मामा को छोड़कर। यहाँ पर देखो मस्त डिजाइनिंग होगा, स्वर्ग म, म से डिजाइनिंग करेंगे, एक साइड हलंत वाला म आएगा, एक साइड आएगा अभिगत, त के बाद डबल डॉट है ना, अभिगत आएगा डबल डॉट एंड प्लस असी, आप उसको यानी पितामह को देखने के लिए, मिलने के लिए स्वर्ग में चले गए। एक पुत्र विनाशात अर्जुनस्य तावत इदृशी खलु अवस्थाः, सोचो एक पुत्र के नाश के बाद अर्जुन की इस तरह से खड़े कर भयंकर हालत खराब हुई है, तो का पुनर्भविष्यति ततः, तो सोचो महाराज, कौन कह रहा है, घटोत्कच, कि हे धृतराष्ट्र महाराज सोचो आपकी हालत क्या होगी, भविष्यति क्या होगी। ततः क्षिपहि इदामिम आत्मबलाधाम कुरुतु हो, तो आपको शीघ्र ही आपके जितने भी अक्षौहिणी सेना है उसको वापस बुला लेना चाहिए, ये युद्ध को यहाँ पर ही समाप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी भूल कभी कभी बहुत भयंकर विनाश लेके आती है ना। यथा पुत्र शोक उत्सुकम अग्नि ही, आप उस पुत्रों के मरने की अग्नि के अंदर मतलब आग के अंदर ही आपका देह, आपका शरीर जो है वो नाश हो सकता है। यहां से भी हम डिजाइनिंग कर सकते हैं, पुत्र शोक म, म से डिजाइनिंग करेंगे, एक साइड आएगा हलंत वाला म और दूसरे साइड आएगा उत्थित यानी उत्पन्न होने वाला अग्नि, पुत्र के शोक के अंदर से उत्पन्न होने वाली आग, यहाँ पर आग उत्पन्न नहीं होती पर दुख उत्पन्न होता है, उससे ही आपका देह प्राण मतलब आपका शरीर चला जाएगा, ऐसा कहना चाहते हैं। ठीक है, देखते हैं ट्रांसलेशन यहाँ पर क्या बताया गया है, ध्यान से सुनते हैं। घटोत्कच, लिसन ग्रैंडफादर, ओ चाइल्ड अभिमन्यु, आ माय चाइल्ड, द लैंड फ्रॉम द कुरु डायनेस्टी, द सिकॉन ऑफ द फैमिली, यू हैव लेफ्ट योर मदर एंड मी, योर मैटरनल अंकल टू, एंड हैव गॉन टू द हेवंस इन द होप ऑफ मीटिंग योर ग्रैंडफादर। Grandfather, such in the plight of Arjuna as the result of the death of one son, what then will be yours? So quickly summon up all the strength of your soul, so that the fire rising from the grief for it, your son should not burn your life like an oblation. तो इस तरह से आप अपने पुत्र के मृत्यु के अंदर ही आपका सर्वनाश हो जाए, ऐसे हमारे जनार्दन जी बिल्कुल भी चाहते नहीं है, इसलिए मुझे एक पीस मैसेंजर की ओर से यहाँ पर भेजा है। अब कितना अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, अब फिर भी जो शकुनी मामा है जो कि विलन मामा है उसको लगता है ये तो गलत बोल रहा है, एक तो उम्र में हमसे छोटा है, ऊपर से राक्षसनी का बेटा है, ऊपर से पांडवों की साइड से आया है। तो अब देखो शकुनी मामा क्या क्या उल्टा पुल्टा सुना रहे हैं, तो वो देखते हैं, दैट इज शकुनी मामा है ना, और ये तो हमारे कौन है, घटोत्कच जी, और ये है दुर्योधन। जो जो भी आपके डायलॉग्स आएंगे उसके यहाँ पर पिक्चर्स है। दूसरी बात है, हमारे जो मैचिंग होता है ना, मैचिंग हु सेड टू हुम, कौन किसको कहता है, उसके अंदर ये एक ही चैप्टर है जिसमें से 4% के डायलॉग्स है, बाकी टोटल आपके 4 ड्रामा है और सारे जो ड्रामा है उसके अंदर 2-2, 3-3 कैरेक्टर है, यानी पूरी टेक्स्ट बुक में से सिर्फ आपके कितने कैरेक्टर्स आने वाले पता है, सिर्फ 4-10 कैरेक्टर आएंगे, पर इसमें से 4 तो इसके पास ही है, तो इसको याद रखेगा। एंड दूसरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात, शकुनी मामा का एक ही डायलॉग है और ये हमेशा पूछा जाता है ना, जिसको हम अवॉइड करते हैं वो शकुनी मामा में कभी भी परेशान करके जा सकते हैं। सो ये जो डायलॉग है आपको अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। तो क्या कहते हैं शकुनी मामा, यदि स्वाद वाक्य मात्रेण निर्जीवितः वसुंधराः, वाक्य वाक्य यदि ही भवेत् स क्षत्रवधम कृतः,
देखो यहाँ पर शकुनी मामा ना अपना अहंकार बताने की कोशिश करते हैं कि देख भाई तू बड़े बड़े डायलॉग्स मार रहा है, बड़े बड़े श्लोक बोल रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, इस तरह से कभी कोई पृथ्वी को जीत नहीं जा सकता है। अगर इतने ही बड़े डायलॉग बोलना है, वाक्य बोलना है, तो मेरे को भी बहुत सारे वाक्य बोलना आता है, मैं भी एक एक वाक्य तीर की तरह तलवार की तरह इस्तेमाल करूंगा और कितने सारे क्षत्रियों का मैं वध कर सकता हूँ, है ना। तो बेचारा जो ये बोल रहा था, समझा रहा था, उसको नेगेटिव फॉर्म में लेते हैं। एंड इसके कारण से अब जो है हमारे घटोत्कच को लगा कि जो मामा विलन मामा है उसको समझाना चाहिए, तो उसको धीरे से समझाते हैं कि घटोत्कच कहते हैं, हे शकुनी रेशह व्याहरति, हे शकुनी मामा जरा अपने आप को कंट्रोल करो, है ना, ऐसा मत बोलो, ऐसा न करो, आप क्या बोल रहे हो। वो शकुनी जी अक्षान, कल आप जब आओगे ना युद्ध के अंदर, तो वहां पर भयंकर युद्ध होने वाला है, बड़े बड़े तीर कमान तोप गोले बारूद चलेंगे, तो आपके हाथ में जो है ना डाइस, उसको कहते हैं अक्षान, उसको विमुच्य, उसको छोड़ो और बाण योग्य बन जाओ, ना कल तो आपका तो सर्वनाश ही होने वाला है। अब जब घटोत्कच जी ने इस तरह से आंसर दिया, तो हमारे दुर्योधन जी को मामा के इंसल्ट सहन नहीं होती है, तुरंत बोलते हैं क्या, भो भो प्रकृतिगत, देखा तो अपने स्वभाव के ऊपर गया ना, वयम अपि खुद हलु हु रौंद्र राक्षस स्वभाव, हम भी खरेखर रौंद्र यानी कि बहुत ही भयंकर राक्षस के उग्र स्वभाव वाला ही है। अब यहाँ पर इसको इनडायरेक्टली राक्षस का बेटा कहा गया, उसकी मम्मी हिडिंबा थी और हिडिंबा का बेटा यानी कि राक्षस का बेटा हुआ, तो इस तरह से उसकी माँ का इंसल्ट हुआ जो इससे सहन नहीं हुआ, है ना, तो वो उसको बहुत भयंकर जवाब देते हैं। परंतु शकुनी मामा का जवाब इसने बहुत अच्छी तरह से देकर अपने आप को बैलेंस तरीके से अच्छी तरह से बताया कि हम क्या है, किस तरह से। दूसरा एक संधि यहां पर भी है, देखो अभी तक मैं आपको क्या सिखा रहा था, म को डिजाइन करो, तो एक साइड हलंत वाला म दे रहे थे और दूसरी साइड अ, है ना। अब यहां से र से हम डिजाइन कर सकते हैं, र से डिजाइन करेंगे तो क्या होगा, एक साइड र आएगा और दूसरी साइड ए आएगा। अब जो र है उसको हम कितना देंगे, हाफ देंगे हलंत वाला, तो हलंत वाला जो र होता है ना उसका डबल डॉट बनता है यानी विसर्ग बनता है, तो क्या बनेगा, शकुनी, नी के बाद क्या रहेंगे डबल डॉट, है ना, फिर इधर क्या आएगा, एशह शकुनी एशह व्यवहारति, है ना, वी प्लस अवहारति, आप ऐसे भी कर सकते हो, यहां से हमने सिखाया था ना व को हम ई दे सकते हैं इस तरह से, है ना, विमुच्य मतलब छोड़ देना। तो छोटे छोटे जो है ना हमेशा ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर व य म प्लस अपि आप यहाँ पर भी ले सकते हो, है ना, ये सारे के सारे संधि समास का यूज करेंगे उतना अच्छी तरह से हमें ट्रांसलेशन आएगा। तो चलो देखते हैं इसका ट्रांसलेशन क्या हो रहा है। शकुनी, इट वाज पॉसिबल टू कॉन्कर द अर्थ बाय मेयर वर्ड्स, if by words and yet more words it could be done, all the warriors were indeed killed. Ghatotkac, this is the Shakuni speaking. Oh Shakuni, leave dice, be prepared for fighting with the arrows. Duryodhan, aha, he displays his original nature, we too are terrible, having the fierce nature of demons. To hum jo demons hai usse bhi bhayankar, yani usko indirectly rakshas kaha to usko bahut bura laga. Ab ye jo hai apna mast balancing jawab deta hai, kya deta hai jawab, ki aap dekho aapne kya kaha ki main rakshas hu, meri mata rakshasni hai to mera swabhav uske jaisa hua hai, chalo theek hai hum to rakshas hai to rakshas kahoge, par aap dekho na aap kiske jaise ho, aap to humse bhi gaye guzre ho, yani humse gaye guzre ne kaise, bhoot palit चुड़ैल डायन जैसे हो, उसको किस क्या कहते हैं, निशाचर, निशा का मतलब क्या होता है, रात, एंड आचर रात को घूमने वाले लोगों को निशाचर कहते हैं। आपको भी रात को 12 बजे बाद नहीं घूमना चाहिए, वरना आप भी भूत पलित में काम करते हो, मम्मी पापा कहते हैं ना क्या भूतों की तरह चक्कर काट रहा है, है ना, तो इसको उसने क्या कहा, आप निशाचर हो, कैसे, क्योंकि आपने देखो ये लाक्षाग्रह है, एक लाख से बना हुआ महल था, है ना, और उस महल के अंदर ये भाई साहब ने दुर्योधन ने पांडवों को जलाने की कोशिश की थी, परंतु उस वक्त जो भीम है उसने अपनी बुद्धि चलाई और उसके अंदर एक सुरंग बनाई थी, और सुरंग बना के देखो इन सारे पांडवों को बचा लिया था। तो ये बता रहा है कि आप देखो ना, आप तो अपने भाइयों को जलाने की कोशिश करने वाले लोग आप हो, यानी आप निशाचर हो, हम तो अपनी भाई की बीवी होती है भाभी उसको स्पर्श भी नहीं करते हैं, पर आपने तो उसकी बीबी को भर सभा के अंदर निर्वस्त्र करने की कोशिश की थी, आप वो निशाचर हो, चलो हम राक्षस चाहिए पर आप तो देखो आप कैसे हो। तो उसका यहाँ पर मस्त अच्छी तरह से डायलॉग बता रहे, क्या है यहाँ पर, घटोत्कच कहता है शांतम पापम, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, राक्षस भी ही भवंत एव क्रूरतरः कुतः
न तु जतु गृहं सुप्ताना भ्रातृन दहन्ति निशाचराः शिरसि न तथा भ्रातृन पत्नी स्पृशन्ति निशाचराः। आप देखो ना हम तो कैसे हो तो हमें समझ में आ गया, पर आप अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कैसे हो, आप तो निशाचर के जैसे हो। इसलिए यहाँ पर बताया गया जतु गृह का मतलब क्या होता है, लाक्षाग्रह। सुप्तम मतलब सोए हुए, भातृन मतलब भाइयों को, दहन्ति मतलब जलाने वाले आप निशाचर हो। हम तो अपनी भाई की बीवी को स्पर्श भी, माथे पे हाथ भी नहीं लगाते हैं, पर आपने उसको निर्वस्त्र करने की कोशिश कर रही है, आप ऐसे निशाचर हो। तो दुर्योधन को और बुरा लग गया है ना, और वो कहता है दूत खलु भवान प्राप्त हो, तू यहाँ पर एक्चुअली दूत बन के आया हुआ है। न तुम युद्ध, युद्ध प्लस अर्थ प्लस मां से डिजाइन करेंगे अर्थ म प्लस आगत, तुम युद्ध करने के लिए यहाँ पर नहीं आए हो। गृहीत्वा गच्छ संदेश, तुम अपने संदेश को लो और यहां से जाओ। न वयम दूत धावका, हम दूतों को मैसेंजर को मारने वाले नहीं बनना चाहते, सो प्लीज अपना काम करो, युद्ध करने नहीं आए हो, चुपचाप से यहाँ पर चले जाओ। तो इस तरह से डायलॉग डिलीवरी करके ये भी अपना मान सम्मान बहुत अच्छी तरह से रख रहा है ना। देखते हैं इसका ट्रांसलेशन क्या हो रहा है। Heaven forbid, we are much more ruthless than demons, because the demons do not burn their brother asleep in a house of light. Similarly, the demons do not touch that way the head of brother's wife. Duryodhan, you have indeed come here as an envoy and not to fight. Take your message and go. We are not those who kill the messengers. है ना, kill the messenger, KILL, kill the messenger. अब क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर, वो आगे वाले हैं। अब जब इस तरह से उसने इंसल्टिंग किया कि हम इस तरह से मैसेंजर को मारने वाले नहीं हैं, तो इसको बहुत बुरा लग जाता है कि मैं तो एक आप सबसे उम्र में छोटा हूँ, ऊपर से मैं आपका भतीजा हूँ, आप मुझे भतीजा नहीं बोल रहे हो, उम्र में छोटे हैं तो उसका भी लिहाज नहीं कर रहे हो, मेरी मम्मी का अपमान कर रहे हो, मेरा अपमान कर रहे हो, मेरे राजा का अपमान कर रहे हो, तो इसको बहुत गुस्सा आ जाता है। एंड वहां पर अपना हिसाब से सरोषम गुस्से में आकर घटोत्कच कहता है कि तम दूत एवं प्रादर्शति, मतलब आपसे मुझे एक दूत की तरह ही मानते हो और उसी हिसाब से मुझे अपमानित कर रहे हो, तावत चलो मैं दूत नहीं हूं, मैं मैसेंजर नहीं हूं। न दूतो अहम, दूत प्लस अहम, जाओ मैं दूत नहीं हूं। और वहां पर इतनी बड़ी सभा के अंदर आपने बाहुबली देखा होगा है ना, कितना बड़ा सेट होता है, इतने बड़े बड़े योद्धा अपने तलवार अपने हथियार लेके बैठे हैं, और वहां पर इतनी बड़ी बात कहना, प्रहरतम समाधातः, आओ सब मिलके अभी मेरे पे अटैक करो, मैं यहाँ पर ही महाभारत खत्म कर देता हूँ, है ना। आपने रामायण देखी होगी, रामायण के अंदर कैसे हनुमान जी जाते हैं और पूरी की पूरी लंका जला के आते हैं, वो तो कंट्रोल में थे हनुमान जी, बाकी वो भी युद्ध खत्म करके ही आते हैं, भाई ये काम मेरा नहीं है रावण को मानना, वो तो राम जी का है। इसी तरह से इसको भी लगता है कि काम मेरा नहीं है, बाकी ये भी युद्ध समाप्त करने वाले में से एक था, पर ये अपना कंट्रोल कर रहा है, कहता है क्या, प्रहरतम समागतः, आप आओ और सब मिलके मेरे पे प्रहार करो। एंड ये जब चैलेंज देता है तो सर्वे उत्तश्चंदी, सारे के सारे खड़े हो जाते हैं, पर वहां पर कंट्रोल कर लेते हैं। धृतराष्ट्र कहता है, हे पुत्र घटोत्कच, मर्षतु भवानः, चलो माफ करो, क्षमा करो, गलती हो गई है ना, और मदन वचनास्त भवतः, अब मेरे जो वचन है आप मुझे समझा, उन सबसे बात मत करो, मुझे बताना शुरू कर दो। चलो तो इस तरह से अब जो धृतराष्ट्र जी है वो उसको कवर कर लेते हैं ताकि थोड़ा शांत हो जाए। एंड देन लास्ट जो संदेश है यानी कि लास्ट पैराग्राफ है उसमें मदन यानी भगवान श्री कृष्ण के वचन को यहाँ पर बताया जाता है। तो क्या है ट्रांसलेशन, Not indeed, I am not an envoy. Strike me all together, all get up. Dhritarashtra, Ghatotkach, my grandson, please forbear. Pay heed to what I am saying. चलो तो मेरे साथ बात करना शुरू करो। एंड अब जो आता है भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संदेश यानी मैसेज क्या देना चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण है, ये है घटोत्कच जी और ये है कौन, एक सामान्य छोटा सिपाही, देखो दो मिनट में युद्ध समाप्त कर दे ऐसा है, परंतु ये कंट्रोल में है, किसके कंट्रोल में है, भगवान श्री कृष्ण के कंट्रोल में है। अब घटोत्कच आखिरी मैसेज दे रहा है, भवतु भवतु, चलो ठीक है अगर आप बोल रहे हो तो राजा के बारे में तो मुझे सुनना ही पड़ेगा जो तो राजा बोल रहे हैं, ठीक है चलो। हे पितामह, चलो मैं कहता हूँ, वचनात दूतो अहम अस्मि, अब मैं दूत हूँ तो मुझे तो बताना ही पड़ेगा, दूतः प्लस अहम अस्मि, मैं बता रहा हूँ। भो राजनः, सुनिए राजा जी, श्रूयता, सुनिए,
जनार्दनस्य पश्चिम संदेश, पश्चिम का मतलब है अंतिम, लास्ट, है ना, लास्ट संदेश, क्योंकि पहले तो खुद आए थे, उस वक्त आपने सुना नहीं, अब इसका संदेश लेके मैं आया हूँ लास्ट संदेश देने के लिए। अब भी सुधर जाओ, समझ जाए तो महाभारत अभी भी अटक सकता है, आपका नुकसान होने से बच सकता है, तो लास्ट संदेश सुनो क्या है कि धर्मम समाचर, धर्म का आचरण कर लेना, क्योंकि कल जो है भयंकर युद्ध होने वाला है, तो आप जो भी प्रेयर करते हो, जो भी भगवान को मानते हो, इष्ट देव को मानते हो, सारे धर्म को आचरण कर लेना, है ना। स्वजन उत्थापयतः, जो भी आपके रिलेटिव है, जो भी आपके स्वजन है, उन सबको आप अच्छी तरह से मिल लेना। यत्र इच्छा, मन के अंदर जो भी इच्छाएं है आपकी, वो मन से सारी की सारी संतुष्ट करके आना। जो भी आपकी विशेष है, खाना खाना है, खमन खाना है, ढोकला खाना है ना, अच्छे लोगों को मिलना है, मिल लीजिए। जातोपदेश, इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने ये उपदेश दिया है कि कल पांडवों के रूप के अंदर जो अर्जुन आने वाला है, वो अर्जुन नहीं होगा, पर एक एक होगा क्या है आपका कृतांत, यानी आपका मृत्यु के देवता आपके सामने आने वाला है, सूर्य की एक एक किरणों के साथ। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि अर्जुन के एक एक एरो आएंगे और आपका कल सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सर्वनाश होगा। सो बेटर है कि आपको स्वर्ग में अच्छी जगह पर आपको रहना है, सुनना है, तो क्या करना है, धर्म का आचरण करो, अपने लोगों को मिल लो, और जो भी इच्छा है परिपूर्ण करके आना, क्योंकि कल आपकी मृत्यु निश्चित है। क्या है ट्रांसलेशन? Kach, all right, let it be. I am an envoy at grandfather's word. Oh, you kings, listen to the final message of Shri Krishna. Do what is right. Fulfill the particular exceptions of the brothers. Whatever is desired in your mind, do all that here in this world. For with the rays of the sun, death in the guise of Pandavas, as if it was the most excellent advice, will come upon you. तो ये था हमारा आज का चैप्टर, और इसकी हमने पूरी की पूरी एक्सरसाइज भी आपके लिए बना रखी है। संधि है, समास है, क्वेश्चन आंसर है, इंग्लिश टू इंग्लिश एंड गुजराती टू गुजराती क्वेश्चन आंसर्स, शॉर्ट नोट एंड बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक में आने वाला है। सो बेटर है आप उसके लिए जल्दी से इंतजार करिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक करिए और बहुत सारे फ्रेंडों को भेजिए, ताकि वो लोगों तक हम पहुंच सके। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।